पाकिस्तान और वर्ल्ड 11 के दरमियान दूसरा टी20 मैच देखने के लिए शायकीन की कजाफी स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी। क्रिकेट फैंस दूसरे मैच में भी शाहीनों की जीत के लिए पुरजोश। पाकिस्तान कौम जिंदा दिल कौम है और यहाँ पे मैच हो गया, ये दुनिया को नजर आ गया, ये पुरअमन मुल्क है। आज का मैच ये साबित कर देगा कि पाकिस्तान इंशाल्लाह पीसफुल मुल्क है। तो बहुत एक्साइटमेंट है और इंशाल्लाह ये दिल से दुआ निकल रही है कि आज भी पाकिस्तान जीते तो पाकिस्तान जिंदाबाद। जो पाकिस्तान का रंग दिखाना हमें मकसूद था, हमने दुनिया को पैगाम देना था कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी खत्म हो चुकी है। वकार यूनुस ने चैंपियंस ट्रॉफी की फतह को अहम करार दे दिया। पूरी उम्मीद है कि फ्यूचर में पाकिस्तान को सबसे बड़ी बात यह है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ने ये सारे दरवाजे खोले हैं और आई थिंक पाकिस्तान टीम ने जिस तरीके से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेला, थैंक्स टू देम, थैंक्स टू द पीसीबी, इनका बहुत शुक्रिया कि जिस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। वर्ल्ड 11 के आने से दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। सिक्योरिटी सूरत हाल तसल्ली बख्श रही तो पाकिस्तान मुस्तकबिल में आईसीसी इवेंट की मेजबानी भी करेगा। आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन की गुफ्तगू। चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कौम को एक और खुशखबरी सुना दी, कहते हैं वर्ल्ड 11 2018 और 2019 में भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। NA-120 का इंतखाबी महाज गरम, मरियम नवाज भी सरगरम। JUP की कुलसुम नवाज की हिमायत का ऐलान। मरियम नवाज कहती हैं मुखालफीन बहाने ना बनाएं, मैदान में आकर मुकाबला करें। सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक सवाल पर पारा हाई, सहाफी पर कर दी चढ़ाई। कौन से सरकारी वसाइल, कौन से सरकारी वसाइल, उनका नाम क्या है? मैं नहीं, सड़कें हर जगह बन रही हैं, काम हर जगह हो रहे हैं, तो हार के खौफ से बहाने तलाश करना ये पुरानी आदत है मुखालफों की। नवाज शरीफ, हसन और हुसैन नवाज 19 सितंबर को हाजिर हों। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ पहला मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। 19 सितंबर को पेशी के लिए नोटिस जारी। नवाज शरीफ की नाअहली और नैब को केस भेजने का फैसला सब जजेस का मुत्तफिका था। फैसले में बहुत मोहतात जबान इस्तेमाल की गई। मजीद तफसील में जाने पर हमसे शिकायत ना की जाए। पनामा फैसला नजरसानी केस में जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स, समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी। FZE कंपनी से तनख्वाह लेने पर मौकिफ नहीं सुना गया। असासे जाहिर ना करने पर कामयाब उम्मीदवार को नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। इंतखाबात को कलअदम करार दिया जा सकता है। बराह रास्त नाअहली का तरीकाकार दुरुस्त नहीं था, इससे अपील का हक मुतासिर हुआ। तनख्वाह जाहिर ना करना गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाई। नवाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पंजाब असेंबली में करारदाद मंजूर। असेंबली की सीढ़ियों पर हुकूमती और अपोजिशन असेंबली अरकान आमने सामने, नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा रेवेन्यू अथॉरिटी ने शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर को टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तानी हुजाज के लिए इंतजाम करना हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपनी मर्जी की सऊदी कंपनी से मुआहदे किए जिससे इंतजाम में खामियां पैदा हुई। सऊदी सिफारतखाने का मौकफ, पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर का मौकफ हकाइक के मुनाफी करार दे दिया। कराची में जिरगे के हुक्म पर कत्ल की गई लड़की और लड़के की मजिस्ट्रेट की निगरानी में कब्र कुशाई। लाशों से नमूने हासिल कर लिए गए, तशद्दुद और करंट लगने के वाज़ह निशानात मौजूद हैं। कराची में भी घरेलू मुलाजमा तशद्दुद का शिकार। डिफेंस में कम सिन मुलाजमा पर मालकिन का तशद्दुद, लड़की के जिस्म को इस्त्री से जलाया गया। पुलिस का एक्शन, 3 खवातीन समेत 6 अफराद गिरफ्तार।
और इटली के शहर ट्रिक्सन में इंटरनेशनल रोबोट फेस्टिवल का आगाज। इंस्ट्रक्टर रोबोट की हिदायत पर मौसीकारों ने धुनें बिखेरी तो धूम मच गई।